फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यथार्थ नरसिंह। आज हम क्रच वॉकिंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं क्रच वॉकिंग क्या होता है। हिंदी में वॉकिंग को बोला जाता है ऐसा चलना, और क्रच का मतलब होता है वैसाखी, यानी जो पर्सन चलने में असमर्थ है, अनेबल है, वो वैसाखी का सहारा लेता है, वह किसी चीज का सहारा लेकर चलता है, यानी नॉर्मल नहीं चल पाता, उसको बोला जाता है क्रच वॉकिंग। जो क्रच वॉकिंग होती है वह किससे बनी होती है तो बताना, यह है मेटल की या वुडन की बनी होती है। नेक्स्ट बात करते हैं क्रच वॉकिंग का यूज क्यों किया जाता है। तो हम बात करेंगे सर, क्रच वॉकिंग का यूज या तो टेम्परेरी कर सकते हो या हम परमानेंट कर सकते हैं। टेम्परेरी का मतलब, टेम्परेरी का यूं रहेगा कि यदि कोई पेशेंट को फ्रैक्चर हो चुका है, फीमर फ्रैक्चर, हिप फ्रैक्चर, इन कंडीशन में हम कुछ समय के लिए उसकी जो मोबिलिटी होती है उसको इंक्रीज करने के लिए, सही करने के लिए हम क्रच का यूज करते हैं, जिससे वो आसानी से चल सकता है। परमानेंट का क्या रहेगा, वह पर्सन जो कि परमानेंट उसको क्रच की जरूरत रहेगी, जैसे कि हम बात करें एम्पुटेशन की। एम्पुटेशन का मतलब ये रहेगा कि उसका जो फीमर है या पैर है उसको कट कर दिया जाता है, ऐसे पार्ट को एम्पुटेशन पार्ट बोला जाता है, उसको फिर क्रच की जरूरत पड़ती है, इसको बोला जाता है क्रच वॉकिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, जो पार्ट के लिए आप क्रच का यूज करते हो उस पार्ट के ऊपर कभी भी आपको ज्यादा वेट अलाउड नहीं है। सर फिर भी अगर हमको वेट उस पर अलाउड करना पड़े तो आप उसके ऊपर पार्शियली वेट अलाउड कर सकते हो, यानी थोड़ा बहुत प्रेशर उसके ऊपर दे सकते हो, अदरवाइज उसके ऊपर आप प्रेशर नहीं डालोगे। नेक्स्ट बात करते हैं मेजरमेंट की। जिस पर्सन को क्रच की आवश्यकता होती है उसके लिए हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो मेजरमेंट करने के लिए तीन पेशेंट हमारे पास होते हैं। पहला पेशेंट जो कि सुपाइन अवस्था में है, यानी लेटा हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं जो पर्सन स्टैंडिंग पोजीशन में है। तीसरा जो पर्सन हमारे पास प्रेजेंट है ही नहीं, यानी जो पर्सन स्टैंड नहीं हो सकता, यानी सुपाइन अवस्था में। नेक्स्ट जो पर्सन क्या होता है, स्टैंडिंग अवस्था में है, या जो पर्सन हमारे पास नहीं है, उन व्यक्तियों का हम मेजरमेंट करेंगे। इन तीनों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपाइन पोजीशन। जो पर्सन सुपाइन पोजीशन में लेटा हुआ है उनका हम मेजरमेंट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है, जब भी आप मेजरमेंट करते हो क्रच के लिए तो हमेशा जो पेशेंट का मेजरमेंट करते हो उसको हमेशा शूज पहने होने चाहिए, यानी शूज ऑन होने चाहिए उसके। बिना शूज पहने आप उस पेशेंट का मेजरमेंट नहीं कर सकते। बात करते हैं सर मेजरमेंट कैसे लेते हैं, ये पेशेंट की बात करती है, पेशेंट है। अब इसका मेजरमेंट लेना है, जो पेशेंट का एंटीरियर एक्जिला वाला पार्ट होता है वहां से आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेना है, और पेशेंट के जो टोज होता है यानी बिल्कुल पैर तक वहां पर आपको मेजरमेंट करना है। यह अवस्था रहेगी आपकी सुपाइन में। जैसे अभी बात करते हैं इस पेशेंट को लेटा देते हैं, यह पेशेंट सुपाइन अवस्था में लेटा हुआ है, यह पेशेंट का एंटीरियर एक्जिला वाला फोल्ड होता है, यहाँ से आपको मेजरमेंट स्टार्ट करना, और मेजरमेंट स्टार्ट करने के बाद इसका जो टो होता है पैर वाला, अंगूठा वाला भाग, वहां तक इसको क्या करना है, मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट मान के चलिएगा इसका मेजरमेंट आया है सर 50 सेंटीमीटर। जब भी सुपाइन अवस्था में आप मेजरमेंट करते हो पेशेंट का, उसके अंदर आपको 5 सेंटीमीटर एड करना है, यानी इसकी टोटल लेंथ होगी सर 55 सेंटीमीटर। आपने यहाँ पर 5 सेंटीमीटर इसमें एड क्यों किया, करने का कारण क्या रहता है, यह पेशेंट इस क्रच को जब लेटरल साइड में इसको मूवमेंट करेगा दोनों साइड में, तो इसके बीच में जो डिस्टेंस रहेगा उस डिस्टेंस को बढ़ाने के लिए हम 5 सेंटीमीटर इसमें ऐड करते हैं, तो टोटल रहेगी 55 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन। यदि पेशेंट स्टैंडिंग अवस्था के अंदर है उसमें किस प्रकार से मेजरमेंट किया जाएगा, यह पेशेंट है, यह पेशेंट का एक्जिला वाला पार्ट रहेगा, हाथ है। इस पेशेंट का जब भी आप मेजरमेंट करते हो सबसे पहले आपको यह याद रखना है, इस एक्जिला वाले पार्ट से 2 से 3 फिंगर का डिस्टेंस रखना है, यानी एक्जिला वाला पार्ट रहता है यहां से 2 से 3 फिंगर आपको क्या करना है, थोड़ा डाउन में रखना है। फिर यहां से या तो आप बोल सकते हो सर 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर इसकी दूरी बनाकर आपको मेजरमेंट स्टार्ट करना है, यानी यहां से आपको पहले इंडिकेट करना है, यानी आपको पहले मेजरमेंट कर लेना है, निशान लगाना है आपको इसके 5 सेंटीमीटर से, फिर यहाँ से आपको क्या करना है, मेजरमेंट स्टार्ट करना है। मेजरमेंट जब भी स्टार्ट करो आपका जो पैर वाला हिस्सा होता है उसके एंटीरियर में और उसके लेटरल में आपको एक दूरी बनानी है, उस दूरी के बीच में आपको 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है।
या सॉरी 5 सेंटीमीटर नहीं 14 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। 14 सेंटीमीटर रखोगे ये एंटीरियर फोल्ड का, ये लेटरल फोल्ड का, इसके बीच में जो मिड पॉइंट होता है वहां से आपको क्या करना है, इसका मेजरमेंट करना है। वापिस बता देता हूं, इस पेशेंट का जो एक्जिला वाला पार्ट होता है यहां से आपको 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखना है। इसके बाद में आपको मेजरमेंट स्टार्ट करना है, मेजरमेंट इस पैर के एंटीरियर भाग में और इसके लेटरल भाग से 14 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर एक आपको मिड पॉइंट बनाना है। ये जो मिड पॉइंट रहेगा, इस मिड पॉइंट के डिस्टेंस को आपको मेजरमेंट करना है। जैसे इसका मिड पॉइंट आया 50 सेंटीमीटर, तो इसकी दूरी सॉरी इसकी लंबाई रहेगी 50 सेंटीमीटर आपकी। दूसरा इसका मेथड ये रह सकता है, जितना आपने मेजरमेंट किया है, जैसे मेजरमेंट में किया था 50 सेंटीमीटर, उसमें से आपको 5 सेंटीमीटर माइनस कर देना है तो रह जाएगा आपका 45 सेंटीमीटर। नेक्स्ट बात करते हैं, यदि आपके पास पेशेंट एबल नहीं है, प्रेजेंट नहीं है, तो कैसे मेजरमेंट करोगे? तो आपको क्या करना है, टोटल बॉडी का मेजरमेंट करना है, मतलब उसकी आपको लेंथ लेनी है। लेंथ लेने के बाद उसमें से आपको 40.5 सेंटीमीटर इसमें से माइनस कर देना है। जो रिमेनिंग इसकी लेंथ रहेगी वो आपकी किसकी रहेगी, क्रच की रहेगी। ये तीन प्रकार से आप उस पेशेंट का मेजरमेंट कर सकते हो, यदि पेशेंट सुपाइन अवस्था में है, सिटिंग में है या स्टैंडिंग में। सॉरी नेक्स्ट इसमें क्या रहेगा, जो पेशेंट आपके पास एबल नहीं है, इन तीनों कंडीशन में आप पेशेंट का मेजरमेंट कर सकते हो। जनरल पॉइंट की बात करते हैं, जनरल पॉइंट में हम ये बात करेंगे कि पेशेंट की जो आपने क्रच बनाई है वो सही है या नहीं। इसके लिए आपको ये देखना है, पेशेंट की अगर क्रच लंबी या ज़्यादा शॉर्ट है तो यह गलत होगा। कैसे? यदि ज़्यादा लंबी है तो वह प्रेशर डालेगा आपकी एक्जिला पर, एक्जिला के अंदर जो नर्व पाई जाती है वो नर्व ज़्यादा प्रेशर से डैमेज हो जाएगी। अगर वो डैमेज हो गई वहाँ पर हो जाएगा सर पैल्सी। पैल्सी कौन सी सर? एक्जिलरी पैल्सी हो जाएगा। अगर ऐसा है तो आपको जो आपकी क्रच है ना तो ज़्यादा छोटी होनी चाहिए ना ज़्यादा बड़ी होनी चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं सर गेट की। गेट का मतलब होता है चलना, या बोल सकते हैं सर कदम। वह कितने कदम से चलेगा? तो कुछ टाइप है इसके। सबसे पहले है 4 गेट, नेक्स्ट है 3 गेट, नेक्स्ट है सर 2 गेट, नेक्स्ट है स्विंग थ्रू एंड टू। ये कुछ टाइप पढ़ेंगे कि वह 4 कदमों के साथ चलेगा, उसके 3 कदम होंगे, उसके चलने के लिए 2 कदम होंगे, या वह झूल कर चलता है या उसके साथ में चलता है। ये कुछ टाइप पढ़ेंगे किसके हैं, ये क्रच के। तो सबसे पहले जो टाइप है उस टाइप का नाम है 4 गेट क्रच, यानी इसमें जो पर्सन चलेगा 4 कदम के साथ चलेगा। जब भी पेशेंट चले उसमें आपको मैं सिस्टमेटिक तरीके से बता देता हूँ, सबसे जो पेशेंट होगा उसको सबसे पहले जो पोजीशन लेनी पड़ेगी वो ट्रिपोइड पोजीशन लेनी पड़ेगी। ट्रिपोइड पोजीशन का मतलब क्या रहेगा, यह जो पेशेंट है, यह पेशेंट जब भी स्टैंडिंग पोजीशन लेता है या चलने के लिए तैयार होता है तो यहाँ पर इसका जो क्रच रहता है उस क्रच को हमेशा यू साइड में बनाएगा, और इस पैर का और इस क्रच के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को बोला जाता है सर ट्रिपोइड पोजीशन। यानी पेशेंट बैठा है तो साइडों में दोनों साइडों के तरफ ये क्रच को फैलाएगा, फैलाने के ऊपर जो पोजीशन बनती है उसको बोला जाता है सर ट्रिपोइड पोजीशन। सबसे पहले तो आपको ट्रिपोइड अवस्था में उसको प्रोवाइड करवानी है। नेक्स्ट बात करें कौन सी, जब भी पेशेंट चलना स्टार्ट करे तो हमेशा वह राइट क्रच को आगे की तरफ उठाएगा। राइट क्रच को उठाने के बाद उसके बाद में राइट क्रच के बाद लेफ्ट लेग को आगे की तरफ मूवमेंट करवाएगा। नेक्स्ट फिर वह लेफ्ट क्रच को आगे की तरफ मूवमेंट करवाएगा, फिर वह राइट लेग को आगे की तरफ मूवमेंट करवाएगा। यानी जो भी क्रच उठा रहा है उस क्रच के साथ अपोजिट लेग को मूवमेंट करवाना है। जैसे राइट क्रच करवाया तो लेफ्ट लेग, यदि लेफ्ट क्रच करवा रहे हो तो राइट लेग करवाना है। यहां पर लेफ्ट क्रच करवाया तो राइट लेग करवाया। यह आप देखिए, पर्सन राइट क्रच के साथ लेफ्ट लेग को मूवमेंट कर रहा है, अब लेफ्ट क्रच के साथ राइट लेग को मूवमेंट कर रहा है। फिर से देखिएगा, राइट क्रच, ये देखिए लेफ्ट लेग, लेफ्ट क्रच, राइट लेग। नेक्स्ट बात करते हैं 3 गेट क्रच, यानी इसमें कदम रहेंगे 3 कदम। तो सबसे पहले इसकी जो पोजीशन प्रोवाइड करवानी पड़ेगी वह है पोजीशन है सर ट्रिपोइड पोजीशन। इसके बाद में आपको क्या करवाना है, बोथ क्रच को आगे मूवमेंट करवाना है, यानी दोनों क्रच को आगे रखेगा। जब दोनों क्रच को आगे रखेगा जो अफेक्टेड लेग होगा
वो झूल कर इसके साथ आगे जाएगा। यानी पहला कदम दोनों क्रच आगे उठाना, दूसरा कदम अफेक्टेड लेग आगे जाना, तीसरा सर जो नॉन अफेक्टेड लेग होगा वह मूवमेंट करवानी है। यानी तीन गेट का मतलब तीन कदम चल रहा है, पहला कदम दोनों क्रच को उठा रहा है, दूसरा कदम अफेक्टेड लेग को उठा रहा है और तीसरा कदम इसमें नॉन अफेक्टेड लेग को आगे की तरफ मूवमेंट करवा रहा है। इसको बोला जाता है थ्री गेट क्रच। इसमें देखिएगा बोथ क्रच के साथ अफेक्टेड लेग आगे जा रहा है, फिर नॉन अफेक्टेड लेग। फिर से देखिएगा बोथ क्रच अफेक्टेड लेग ये नॉन अफेक्टेड लेग। ऐसा टू गेट क्रच, टू गेट क्रच का मतलब है कि इसके अंदर कदम रहेंगे दो कदम। तो बताना है जब भी राइट क्रच को उठाओ तो राइट क्रच के साथ लेफ्ट लेग आगे की तरफ मूवमेंट करवाएगा। यानी पहला कदम रहेगा राइट क्रच के साथ लेफ्ट लेग को आगे उठाना, लेफ्ट क्रच के साथ राइट लेग को आगे की तरफ मूवमेंट करवाना। यानी एक कदम और दो कदम, राइट क्रच के साथ लेफ्ट लेग और लेफ्ट क्रच के साथ राइट लेग। इसमें देखिएगा राइट क्रच लेफ्ट लेग, लेफ्ट क्रच राइट लेग, दोनों को एक साथ उठाना है, राइट के साथ लेफ्ट को और लेफ्ट के साथ राइट को एक साथ उठाना है। नेक्स्ट बात करते हैं स्विंग टू और स्विंग थ्री। यहां पर यह पहला पार्ट रहेगा और यह दूसरा पार्ट रहेगा। पहले पार्ट में यह बताया गया जो रेड पेन से आपको दिखाई दे रहे हैं डॉट, आपको इसको आप मानिएगा लेग, और जो ब्लैक पेन से आपको दिखाई दे रहा है यह है क्रच। जब पेशेंट चलने की कोशिश करता है दोनों क्रच को आगे की तरफ रखता है और लेग उसके पीछे रहते हैं। यदि वह चलकर यहां पर यह जो है यह आपका लेग है या क्रच मानिएगा इसको, यह बीच वाला लेग रहेगा यह क्रच रहेगा। जब क्रच को आगे रखता है और दोनों पैर एक लाइन में आ जाते हैं इसको बोला जाता है स्विंग टू। यदि यहां पर उल्टा होता है कि यदि जब पेशेंट चलता है जैसे यह इसका क्रच है और क्रच से पैर आगे की तरफ निकल जाते हैं इसको बोला जाता है थ्रू। एक लाइन में आ जाना क्रच का और लेग का उसको तो टू बोला जाएगा, अगर क्रच से पैर आगे निकल जाते हैं उसको बोला जाता है स्विंग थ्रू। इसमें देखिएगा बोथ क्रच को उठा रहा है और झूल कर एक लाइन में आ गया, इसको बोला जाता है स्विंग टू। फिर से देखिएगा क्रच को आगे रखा और झूल कर उस एक लाइन में आ जाना स्विंग टू बोला जाता है। इसमें देखिएगा पेशेंट झूल कर उस क्रच से आगे निकल गया, क्रच रखा, क्रच से झूल कर आगे निकल जाना स्विंग थ्रू कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं जो क्रच वाला यानी जिस जो क्रच का यूज कर रहा है वो पेशेंट स्टेयर अप यानी सीढ़ियों पर कैसे चढ़ेगा और सीढ़ियों पर कैसे उतरेगा। तो देखिएगा सबसे पहले जब वो सीढ़ियों पर चढ़ता है तो अपना अनअफेक्टेड पैर को ऊपर की तरफ रखता है, उसके बाद में अफेक्टेड पैर को मूवमेंट करवाता है, नेक्स्ट वह क्रच का मूवमेंट करवाता है। इसका अपोजिट रहेगा जब वह सीढ़ियों से डाउन होता है, कैसे, सबसे पहले वह क्रच को आगे की तरफ रखता है सपोर्ट के लिए, उसके बाद में वह अफेक्टेड पैर को मूवमेंट करवाता है, नेक्स्ट वह अनअफेक्टेड पैर को मूवमेंट करवाता है। इस तरीके से वह ऊपर चढ़ेगा और नीचे की तरफ आएगा। इसमें देखिए पेशेंट अनअफेक्टेड लेग को, फिर अफेक्टेड लेग आया, फिर क्रच रखा जाएगा, फिर अनअफेक्टेड, फिर अफेक्टेड, फिर क्रच रखा जाता है। यह आपका स्टेयर चढ़ने का तरीका रहता है। पर्सन सीढ़ियों से नीचे उतर रहा है तो सबसे पहले क्रच रखा, फिर अफेक्टेड लेग रखेगा, फिर अनअफेक्टेड, क्रच, अफेक्टेड लेग और अनअफेक्टेड लेग।